चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में टोटल इन योर बोर्ड एग्जाम मार्क्स है 4, और इन दिस 4 मार्क्स यू हैव वन क्वेश्चन फॉर द 1 मार्क एंड वन क्वेश्चन फॉर द 3 मार्क्स। ओके, नाउ एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चंस लाइक दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन लाइक फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इन फिजिकल और केमिकल चेंज इट मीन्स कि रिएक्शन में कौन सा चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज होता है तो उसके अंदर स्टेट ऑफ मैटर लाइक सॉलिड में लिक्विड में है या गैस में है। सॉलिड है तो उससे लिक्विड हो रहा है या नहीं हो रहा है, लाइक दैट दैट टाइप ऑफ चेंजेस इज अकर्ड। उसके लिए आप आंसर दे सकते हो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सेकेंड वन, हाउ कैन वी राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड द इक्वेशन ऑफ एनी रिएक्शन। ओके, अब आपके पास कोई भी रिएक्शन है उसका फॉर्मुलेशन आप कैसे करोगे और उसका इक्वेशन कैसे बनाओगे, और वो इक्वेशन बनते ही वो बैलेंस है या नहीं है। उसके लिए हाउ कैन वी बैलेंस द केमिकल फॉर्मूला, उसके लिए बैलेंस भी आप कर सकते हो, और वो बैलेंस जो है वो बैलेंस भी इसमें अंदर हो सकता है। वो कैसे होगा एट द एंड यू विल बी आंसर फॉर दैट। ऑल्सो यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल मैं आपको बोलूँ तो डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल सकता है कि कोई एक प्लेस से अनदर प्लेस हो रहा है। इट मीन्स के एलिमेंट है वो एलिमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होगा और दूसरी एलिमेंट के प्लेस पे जाके वहां पे रिएक्ट करेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा होगा कि दो एलिमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट का डिस्प्लेस होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट्स है वो जो डिस्प्लेस होंगे उससे कुछ नई रिएक्शन फॉर्म करेंगे, उससे नई प्रोडक्ट बनाएंगे। और वो प्रोडक्ट है वो कैसे यूजफुल है अपने लिए वो भी शो करेंगे। ओके, इन दैट फोर्थ कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो ये कॉम्बिनेशन है तो इससे भी पता चल सकता है कि सारे रिएक्टेंट है वो सब कंबाइन हो रहे हैं, और डिकम्पोजिशन में कोई एक रिएक्टेंट है उसमें से अलग अलग तरह की आपको प्रोडक्ट मिलेगी। उसके बाद एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी, ये सब भी पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपको बाय रिएक्शन पता चल सकते हैं, और ये सभी के आंसर आप एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी आंसर्ड। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ द डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। फर्स्ट, मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अब हमको पता है कि समर्स में टेम्परेचर इन इंडिया तो बहुत ज्यादा ही होता है, और टेम्परेचर ज्यादा है उसके वही टेम्परेचर के आप मिल्क को रख देते हो तो क्या होगा, वो मिल्क है। सिंपल आंसर दे सकते हैं सभी कि मिल्क बिगड़ जाएगा। ये मिल्क बिगड़ जाता है, पर क्यों बिगड़ता है, किसके अंदर कोई चेंजेस होता है या नहीं होता है, उसके लिए हमको सोचना है। सेकेंड थिंग, एन आयन तवा और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमोसफियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अबाउट द ह्यूमिड एटमोसफियर। ह्यूमिड का मीनिंग होता है वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। क्या होता है, वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। ओके, वाटर वेपर है एटमोसफियर में प्रेजेंट है। सिंपल हम कह सकते हैं कि आयन के कॉन्टेक्ट में जो वाटर वेपर आएगी, वो आयन के कॉन्टेक्ट में वाटर वेपर आएगी तो उसका रस्टिंग हो जाएगा। इट मीन्स दैट के उसका स्टेट जो पहले था उससे थोड़ा चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। देखो फर्मेंटेशन प्रोसेस ऐसी है कि उसके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग सिंपल है कि उसके अंदर रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, फिर भी इन फर्मेंटेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। उसके बजाय वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। आपने देखा भी होगा कि जब भी हम फर्मेंटेशन करते हैं तो उसका लेवल जो होता है वो लेवल अपने लेवल से सहज थोड़ा सा ऊपर आ जाता है आफ्टर फर्मेंटेशन। वो लेवल अप होता है, उसका सिंपल मीनिंग है कि वहां पे क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। इस मीन्स के हम उसको बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, और इवोल्यूशन ऑफ गैस इज द वन टाइप ऑफ केमिकल और फिजिकल चेंज। ओके, उसके बाद फूड इज कुक्ड।
अब खाना तो सभी को पसंद होगा, और खाना पसंद है तो खाना तो ऐसे तो पकता नहीं है, उसके लिए आपको गैस ऑन करना पड़ेगा। गैस ऑन करते हो इट मीन्स दैट यू गेव द टेम्परेचर ऑफ दैट फूड, आपने टेम्परेचर दिया है, वो टेम्परेचर देने से उसका कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आपको देखना है। उसके बाद फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। सबको पता है कि हम खाना खाते हैं तो फूड है वो अपने स्टमक में जाके डाइजेस्ट होता है, बट वो डाइजेस्ट होता है तो उसका कंप्लीट पाथ क्या है और वो पाथ क्या है उसके साथ साथ उसके अंदर कोई चेंजेस आता है या नहीं आता है मैं आपको बताता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम है अपनी, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ की शुरुआत होती है अपने मुंह से। मुंह के अंदर आपने खाना लिया, स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट होगा, उसके बाद इसोफेगस थ्रू वो अपने स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाएगा तो उसके अंदर डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एड होगा, वो स्मॉल पार्टिकल्स जो फूड के थे उसको कंप्लीटली इन लिक्विड फॉर्म लेके आएगा। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद वहां से जाएगा पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी जगह पे जाके अपने ग्लूकोज को स्टोर करेगा। इट मीन्स कि वो ग्लूकोज को स्टोर कर रहा है, लिक्विड फॉर्म में था, आपने जब फूड खाया वो तो सॉलिड फॉर्म में था, तो उसका स्टेट है वो चेंज हो गया, जो सॉलिड था उसका क्या हो गया है, लिक्विड हो गया है। और लास्ट वन वी रिस्पायर। रेस्पायर का मीनिंग है हम लोग ऑलरेडी ऑक्सीजन को गेन करते हैं इन रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इन रेस्पिरेशन वी गेट द ऑक्सीजन एंड वी आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। आउटलेट कार्बन डाइऑक्साइड है, इनलेट ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हम लेते हैं तो वो तो कुछ चेंजेस नहीं दिखाता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है वो चेंजेस दिखाता है क्या? हाँ, वो इन लंग्स जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अपने हीमोग्लोबिन में ऐड होते हैं उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलता है तब आप एक बार एक्सपीरियंस करना कि वो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा आपको गर्म लगेगा। वो हॉट है इसके लिए टेम्परेचर का वेरिएशन होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में। ये सब भी थिंग थी कि अपने डेली लाइफ में हम लोग देखते भी है और इसके अंदर क्या होता है वो भी हम देखते हैं। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंसिडर दैट हियर वी ऑब्जर्व दैट द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। समवॉट चेंज का मीनिंग है कि मिल्क पहले था उसके बजाय समर्स में हमने ओपन टेम्परेचर में रख दिया है, रूम टेम्परेचर में रख दिया है, तो जो पहले था वैसा बाद में नहीं होगा। इनिशियल का मतलब है शुरुआत में कैसा था और एट द एंड कैसा है, एट द एंड उसके अंदर समवॉट चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। एंड यह दैट द चेंजेस ऑफ मैटर इज प्रेजेंट आइदर फिजिकली और केमिकल चेंजेस। इसके अंदर जो चेंजेस होता है वो क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है और या तो केमिकल चेंज होता है, और इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज सम हाउ ओनली 4 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। And that 4 points is most IMP for the 4 points. The following observation helps us to determine the whether chemical reaction has taken place. First, कि हमारी reaction है chemically, उसके अंदर changes कैसे होते हैं और वो कैसे form होती है। तो first point है change in state. State change होता है तो वो कैसे होता है, और state का meaning है तो state के आपको पता होना चाहिए कि state के totally 5 divisions है। हमको अभी इन 10th स्टडी करने हैं ओनली 3 पॉइंट्स, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। और वो सॉलिड में से लिक्विड में हो रहा है चेंज, लिक्विड में से गैस में चेंज हो रहा है, आइदर सॉलिड टू डायरेक्ट गैस चेंज हो रहा है। आपने स्टैंडर्ड 9th में भी ये चेंज इन स्टेट्स का कोई इंटर कन्वर्जन पढ़ा हुआ है, और वो इंटर कन्वर्जन के थ्रू आपने फ्यूजन, लिक्विफेक्शन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, ये सब भी टर्म्स आपने सीखी हुई है। तो वो चेंजेस होते हैं या नहीं होते है, वो कैसे होते हैं, ये सब भी बातें आपको इसके अंदर पता चलेगी। सेकंड पॉइंट है चेंज इन कलर। अगर आपके पास दो लिक्विड है और एक सॉलिड है और लिक्विड है तो वो भी चलेगा। वो इन दैट कंडीशन लिक्विड के अंदर आप दूसरा लिक्विड ऐड करते हो और उस ऐड करने के बाद उसका टोटली कलर चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे चेंज इन कलर।
आपको आगे भी पता चलेगा कि ये कैसे होता है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज है, और उसके बाद देखेंगे थर्ड इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस आगे भी हमने देखा था कि इन फर्मेंटेशन कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, उसके बजाय आइदर इन लैब केमिकली भी हम इवोल्यूशन ऑफ गैस फॉर्म कर सकते हैं, और वो इवोल्यूशन इट मीन्स इवॉल्व ऑफ गैस। इवॉल्व का मीनिंग होता है कि हमको गैस मिल रहा है बाय द केमिकल रिएक्शन। ओके, एंड फोर्थ वन चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का वेरिएशन हम रखते हैं, और वेरिएशन के रखने के बाद हमको कोई थिंग ऐसी मिल रही है कि वो केमिकल रिएक्शन फॉर्म कर रहा है, और उससे हमको कोई प्रोडक्ट मिल रही है। तो उसके पॉइंट के अंदर हम चेंज इन टेम्परेचर को रख सकते हैं कि टेम्परेचर के थ्रू हमको वेरिएशन इन टेम्परेचर से कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है। ओके, और ये प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रही है उसके लिए हम, मैं आपको बता दूं कि हमने आगे भी देखा था कि फूड जिसको हम पकाते हैं उसको कुक करते हैं उसके में, जब फूड को हम पकाते हैं तो उसको हम गैस से थोड़ा टेम्परेचर देते हैं, और वो टेम्परेचर देते हैं तो फूड हो जाता है, पक जाता है। तो वो फूड जो पक जाता है उसको टेम्परेचर दिया तभी वो गेट रेडी, आइदर वो फूड फॉर्म नहीं होगा। ओके, अब इस चारों चार पॉइंट को हम डिटेल में देखते हैं। ये एक्टिविटी है चेंज इन टेम्परेचर, और ये एक्टिविटी को करने के लिए यू नीड द टीचर्स असिस्टेंस। टीचर्स असिस्टेंस इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक बर्नर है, और बर्नर के ऊपर एक मैग्नीशियम फॉयल रखी हुई है। ओके, मैग्नीशियम फॉयल भी बोल सकते हो, मैग्नीशियम रिबन भी बोल सकते हो। मैग्नीशियम रिबन का मीनिंग होता है वन ऑफ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द मैग्नीशियम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन द मैग्नीशियम रिबन अबाउट द 3 to 4 centimeter लॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है कि मैग्नीशियम है उसके रिबन को 3 to 4 centimeter लॉन्ग लेके काटना है, उसके बाद उसको रबिंग करना है सैंड पेपर के पास। सैंड पेपर से रबिंग करने का मीनिंग एक ही है कि उसके ऊपर सच काइंड ऑफ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होगी पहले से ही, वो इम्प्यूरिटीज को हमको रिमूव करनी है क्योंकि वो मैग्नीशियम डायरेक्ट रिएक्ट हो सके इसलिए, और इम्प्यूरिटीज रिमूव हो सके। उसके बाद हमको वो मैग्नीशियम फॉइल है वो पेयर ऑफ टंग्स के साथ पकड़नी है, डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ेंगे क्योंकि इसको हमें हीट भी करना है, और हीट करना है उसको डायरेक्ट हाथ से पकड़ेंगे तो क्या होगा, अपना हाथ जल जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पे एक पेयर ऑफ टंग है जो होल्ड की हुई है मैग्नीशियम रिबन को। उसके बाद हम बर्नर ऑन करेंगे, उसको बर्न करेंगे। अब जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ हीट होगा। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम यानी कि सबसे चमकीदार प्रकाश होगा, और उससे वो हीट होगा, और वो हीट होते ही ये आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि ये नीचे पाउडरिंग फॉर्म हो रहा है। तो ये मैग्नीशियम है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न हुआ, और उसके बाद बर्न होने से बाद ये पाउडरिंग फॉर्म में नीचे वॉच ग्लास है वो वॉच ग्लास के अंदर कलेक्ट होता है, और वॉच ग्लास के अंदर जो कलेक्ट होता है वो पाउडरिंग फॉर्म दूसरा कुछ भी नहीं है, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है इज Somehow we can say that the magnesium ribbon is in the aqueous form. S का मतलब आपको पता ही है, ये पाउडरिंग फॉर्म है वो S है, और वो व्हाइट कलर की S फॉर्म में कलेक्ट होता है। तो लास्ट पॉइंट हमारा, what do you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हमने ऑब्जर्व ये किया कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होती है, और उसका पाउडरिंग फॉर्म होता है, पाउडरिंग फॉर्म होता है इट मीन्स के उसकी S फॉर्म होती है, और उस S को हम वॉच ग्लास के अंदर कलेक्ट करते हैं। ये पॉइंट से हम पता कर सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर से हमें टेम्परेचर का वेरिएशन होने से मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड दूसरा कुछ भी नहीं, इधर हम इसको बर्न ही नहीं करते तो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होती क्या, नहीं होती। तो ये कन्वर्ट नहीं होती है उसके लिए हम इसको टेम्परेचर देते हैं, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती है। ओके,
In this figure you can see that the color yellowish color is formed. पर ये येलो कलर कैसे फॉर्म हुआ? देखो, ये हमने क्या क्या मिक्स किया है ये यहाँ पे लिखा हुआ है. फर्स्ट टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब. लेड नाइट्रेट है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है और उसमें हमने किसमें ले लिया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया है. उसके बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को और वो पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड करेंगे वो भी. दोनों के दोनों सॉल्यूशन आप देखोगे तो वो दोनों के दोनों सॉल्यूशन कलरलेस है और ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशंस है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं. अब आप इन फिगर देख सकते हैं कि दोनों कलरलेस सॉल्यूशन ही मिक्स किए हैं, फिर भी इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर येलोइश कलर फॉर्म होता है. तो दो कलरलेस सॉल्यूशन थे उनको हमने मिक्स किया तो ये येलोइश कलर फॉर्म करते हैं. ये कलर का चेंज है कि ये दोनों कलरलेस मिक्स होके दूसरा कोई कलर शो कर रहे हैं. इट मींस वी कैन से दैट चेंज इन कलर अकर्ड. ओके, आपने क्या देखा इसमें कि दो कलरलेस लिक्विड मिक्स होते ही येलोइश कलर फॉर्म होता है. तो इन केमिकल रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद द लेड नाइट्रेट, इट प्रोड्यूसिंग ए येलोइश प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड. तो यहाँ पे जो येलोइश ये फॉर्म हुआ है, ये येलोइश फॉर्म हुआ है वो दूसरा कुछ भी नहीं, ये लेड आयोडाइड है. इट मीन्स के पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट कंबाइन होके प्रोडक्ट में हमको लेड आयोडाइड देंगे और दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट देंगे. तो ये लेड आयोडाइड का कलर हमको शो कर रहा है. ओके, एंड चेंज इन स्टेट दोनों पॉइंट एक ही एक्टिविटी के अंदर आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं. इवोल्यूशन ऑफ गैस का मीनिंग हमको पता है कि कोई गैस है वो इवॉल्व होगा. वो जो गैस इवॉल्व होता है वो गैस इवॉल्व कैसे होता है उसके बाद हम देखेंगे चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट भी कैसे चेंज होता है. आप यहाँ पे इन डायग्राम देख सकते हैं कि हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया हुआ है और इन दिस कॉनिकल फ्लास्क वी गेट जिंक ग्रेन्यूल्स. जिंक ग्रेन्यूल्स इट मीन्स कि पीसीस ऑफ जिंक. ओके, ये जिंक ग्रेन्यूल्स है, उसके अंदर हमने डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया हुआ है. आप यहाँ पे डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर सकते हो, इधर उसके बजाय आप डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ऐड कर सकते हो. इट मींस कि डाइल्यूटेड HCl और डाइल्यूटेड H2SO4 दोनों में से आप कोई भी एसिड को ऐड कर सकते हो. ये जब भी आप एसिड को जिंक ग्रेन्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे तब ये जिंक है वो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, इधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होगा तो वो Cl के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा. इट मींस के जिंक है इधर वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा Cl के साथ, इधर SO4 सल्फेट के साथ रिएक्ट होगा एंड इट फॉर्म्स ZnCl2 और ZnSO4. और दूसरा हमारे पास प्रेजेंट होगा H2 और वो H2 है वो एज अ गैसियस फॉर्म रिमूव होगा. आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह रिएक्ट होके यहाँ पे H2 गैस है, वो H2 गैस भी रिएक्ट हो रहा है और ये H2 गैस को हम बाय ग्लास ट्यूब बाहर निकालते हैं. आपने यहाँ पे एक दूसरी थिंग भी देखी होगी, ये कॉर्क है, ये कॉर्क दूसरा कुछ भी नहीं है, ये कॉर्क इसलिए रखा गया है कि H2 गैस जब भी इवॉल्व होगा तब ये H2 गैस कम्प्लीटली बाहर ना निकल जाए, इसको हम कलेक्ट करके इसका फर्दर यूज कर सके. क्योंकि H2 गैस का यूज हम एमोनिया फॉर्म करने के लिए भी कर सकते हैं, ये आपको आगे आएगा. बट इधर हम इतना देखेंगे कि ये H2 गैस है वो इवॉल्व हो रहा है. इन दिस रिएक्शन यू कैन सी दैट द चेंजिंग स्टेट और इवोल्यूशन ऑफ गैस. इवोल्यूशन ऑफ गैस तो आपने देख लिया कि H2 गैस इवॉल्व होता है. चेंज इन स्टेट यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे आपको जिंक ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं. ये जिंक ग्रेन्यूल्स दूसरा कुछ भी नहीं है, ये जिंक ग्रेन्यूल्स HCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट हो गए और ये जो सॉलिड फॉर्म में है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. इट मींस द चेंज इन सॉलिड टू लिक्विड, इट मींस कि वो चेंज कर रहा है अपना स्टेट. ये स्टेट भी चेंज हो रहा है, दूसरा हम देखें तो यहाँ पे H2 गैस भी इवॉल्व हो रहा है. तो ये दोनों चेंजेस इन दैट एक्टिविटी यू कैन ऑब्जर्व. ओके.